नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का इस चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 ये भारतीय इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। ये भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में हम आज बातचीत करेंगे आप लोगों से। प्रमुख स्थल के साथ साथ इन स्थलों की खोज कब हुई, ये स्थल जो है, ये स्थान जो है किस नदी के किनारे है, कहाँ पर है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इन स्थानों से हमें कौन कौन से चीज मिले हैं, कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो इस स्थानों पर मिली हैं, हम उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो एक बार सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। कौन किया था? दयाराम साहनी ने। या रावी नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? रावी नदी के तट पर, वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में है। ठीक, कहां पर है? पाकिस्तान में। यहां से जो वस्तुएं मिली हैं कौन कौन सी मिली है, वो मिली है श्रमिक आवास, मतलब कि श्रमिकों के घर मिले हैं। और क्या मिला है? अन्नागार मिले हैं, लकड़ी के ताबूत मिले हैं, RH-37 कब्रिस्तान मिले हैं। RH-37 कब्रिस्तान भी यहाँ पर जो है मिले हैं। ये सब कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं। इसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदड़ो को और क्या कहते हैं या इसका दूसरा नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी जो खोज है वो 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। राखल लाल बनर्जी ने वर्तमान में यहाँ सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तारकाना जिले में है। ठीक, कहाँ पर है? सिंध प्रांत के तारकाना जिले में। यहाँ से जो है कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं मोहनजोदड़ो से? यहाँ से हमें मिले हैं पुरोहित आवास मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, आदि शिव की मूर्तियाँ मिली हैं, कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं, सबसे चौड़ी सड़कें मिली हैं, घर में कुआं मिले हैं, विशाल स्नान गृह मिले हैं। ये सब चीजें जो है हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो में। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो कहाँ पर है? चनहुदड़ो जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई जो है किसने की? गोपाल मजूमदार ने। गोपाल मजूमदार ने इसकी खुदाई की चनहुदड़ो की। ये जो है वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो क्या क्या प्राप्त हुई हैं? यहाँ से जो है लिपस्टिक प्राप्त हुई है जो महिलाएं होठों पर अपने लगाती हैं, शीशा प्राप्त हुआ है, और क्या प्राप्त हुआ है, और जो है मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चनहुदड़ो से। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। यह औद्योगिक शहर है। क्या है ये? चनहुदड़ो जो है ये कैसा शहर था? औद्योगिक शहर था। यहाँ से जो है शीशा उषा यही सब प्राप्त हुआ है, श्रृंगार के सामान प्राप्त हुए कह सकते हैं हम ना। अब आगे हमारा आता है क्या? रोपड़। रोपड़ जो है इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह वर्तमान में पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ है? इस समय पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से जो वस्तुएं हमें मिली हैं हम उनको देखते हैं कौन कौन सी वस्तुएं हैं यहाँ से मिली हैं। यहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। रोपड़, रोपड़ शब्द से आप लोग याद कर सकते हैं जैसे रो पढ़ना,
यहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। मतलब इतना मेल व्यवहार होता था मनुष्यों और कुत्तों के बीच में कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उनके साथ कुत्ते भी अपने आप को दफनवा लेते थे। मतलब रोपड़, जिसके सुनकर आप जो है रो सकते हैं, रो पड़ेंगे ना, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है याद करने की, रोपड़। यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, यहाँ पर जो है मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण मिला है। अब आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा क्या है, ये देखिए, कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। इसकी खुदाई किसने किया था, इसकी खुदाई जो है बीके थापड़ ने। कौन? बीके थापड़ तथा बीबी लाल नेकी ने किया। वर्तमान में राजस्थान के पगघर नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ है, ये राजस्थान में है। ओके, यहाँ से जो चीज मिले हैं उसको देखिए, यहाँ से जो है कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, हल से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, हवन कुंड मिली है, अलंकृत ईंटें मिली हैं, ईंटों से घर बनाए जाते थे, तो मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता में, है ना, सिंधु सभ्यता भी जिसे हम कह सकते हैं। और जो है यहाँ पर कालीबंगा में चूड़ी भी मिली है, क्या चूड़ियां भी मिली हैं। अब अगला है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये कहाँ है, वर्तमान में ये जो है हमारा धौलावीरा गुजरात में है। ठीक, कहाँ पर है धौलावीरा, गुजरात में है। यहाँ पर जो है इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह वृष्ट ने की थी। किसने? रविंद्र सिंह वृष्ट ने। यहाँ पर जो है हमें क्या मिले हैं, यहाँ पर जो है हमें स्टेडियम मिले हैं। ठीक, धौलावीरा में जो है हमें स्टेडियम मिले हैं जहां पर खेल कूद होता है ना। हाँ, अब आगे है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है हमारा, इसका उत्खनन जगपति जोशी ने कराया। वर्तमान में ये कहाँ है, गुजरात में स्थित। सुरकोटदा कहाँ है, वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। इसका जो उत्खनन है वो जगपति जोशी ने करवाया था। यहाँ जो है घोड़े की हड्डियां मिली है। यहाँ पर कौन सी वस्तु मिली है, सुरकोटदा में हमें घोड़े की हड्डियां मिली है। ठीक, अब आगे है हमारा जो लास्ट है वो है लोथल। लोथल सभ्यता का उत्खनन एस आर राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में कराया। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भगवान नदी के किनारे सैंधव सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल स्थित है, तो आप लोग बताएंगे भगवान नदी के किनारे लोथल स्थित है। क्या लोथल, हाँ लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में। ठीक, इसी आप लोग जान लीजिए। यहाँ से जो वस्तुएं मिली है, यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिलता है। भाई गुजरात में है, गुजरात में समुद्र है, वहां बंदरगाह तो रहेंगे ही ना। और यहाँ घर के जो दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर मिलते हैं, और बाकी जगह हम लोग पढ़े थे जो घर के दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, वो पीछे गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल में जो है घर के जो दरवाजे हैं वो सड़कों की तरफ खुलते हैं ना। ये यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग बात कर चुके हैं इन सब चीजों के बारे में, सिंधु सभ्यता के या फिर सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनकी खोज किसने किया, वहाँ के जो किस नदी के किनारे कौन सा प्रमुख स्थल स्थित है, और हम लोगों ने यह भी जाना वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई हैं। अब हम जो है दो चार पॉइंट आप लोगों को और बताएंगे। देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे,
वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये आपके एग्जाम में हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो याद रखिएगा आप लोग, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सैंधव सभ्यता के जो लोग थे, वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, कांसे से परिचित थे या फिर और सभी धातुओं से परिचित थे, लेकिन लोहे की धातु से परिचित नहीं थे, इतना याद रखिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन प्रयोग किए जाते थे उसमें किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो ये प्रायः जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ये लोग, ये बात आप लोग जो है याद रखिएगा। और है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिलते हैं पर शेर के चित्र नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के मोहर जो है बहुत से जानवरों के चित्र मिलते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, लेकिन जो है शेर के चित्र नहीं मिलते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उन सब में जो है शेर के चित्र नहीं मिलते हैं, मतलब वो लोग शेर से परिचित नहीं थे, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब उसका चित्र देखकर भाव स्पष्ट हो जाता था, वो जो है दाएं से बाएं पढ़ी जाती थी, लिखी जाती थी। ठीक, अभी तक उसे पढ़ी नहीं जा सकती है। अगर बात करें सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था, तो उनका व्यवसाय एक प्रकार से व्यापार था। वो लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था, व्यापार। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। आपके ऑप्शन में आ गया कृषि, पशुपालन, व्यापार या अन्य, तो आप लोग व्यापार पर जो है टिक लगाएंगे। ओके, सिंधु सभ्यता के लोग जो है माप तौल से परिचित थे। भाई जब व्यापार कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के लोग, जो व्यापार करेगा वो माप तौल से परिचित होगा, है ना। हाँ, वही तो, सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो माप तौल से भी परिचित थे। तो इन सब चीजों को हम देख चुके हैं। अब अगला आपका वीडियो जल्द ही आएगा, आप सभी लोग चैनल पर बने रहें। ये वीडियो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, हम जो है आपकी पेट की तैयारी अच्छे से करवा देंगे, बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।